दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने ही महान लोग रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया, जिनके कई चाहने वाले हैं, मगर उन सब महान लोगों में एक बात कॉमन है कि अगर उनके चाहने वाले हैं तो उनसे नफरत करने वाले भी तो हैं। मगर आज हम दुनिया के उस एक इकलौते शख्स के बारे में बात करेंगे जिनके हेटर्स ना के बराबर हैं। इन्हें लोग भारत में तो पूजते ही हैं, बल्कि भारत से बाहर इनके नाम का और भी ज्यादा डंका बजता है। जी हाँ, बात हो रही है स्वामी विवेकानंद की। आज की वीडियो इस महान आदमी के नाम। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनके बारे में बहुत सारी बातें हम पहले से ही जानते हैं, तो इस वीडियो में क्या खास होगा? तो आज इस वीडियो में हम आपको स्वामी जी के बारे में कुछ राज की बात बताएंगे जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, ये तो आप जानते ही होंगे। मगर क्या आप जानते हैं उनके जन्म का समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 का है। और कहा जाता है कि ऐसे परफेक्ट नंबर्स के समय पर पैदा होना कुछ अद्भुत बच्चों की निशानी को दर्शाता है, जो बुद्धि से तीव्र और तेज माने जाते हैं, जिसको स्वामी जी ने बाद में साबित भी कर दिया था। चलिए आपको उनसे जुड़े एक और किस्से को बताते हैं। दरअसल उनके जन्म से पहले उनकी माँ को सपना आया था कि शिवजी उनके बेटे बनकर पैदा होना चाहते हैं, और ऐसा होने के बाद ही स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे। ऐसे में उनकी माँ का मानना था कि वो शिवजी के ही अवतार हैं। दोस्तों, आप शायद ये जानते होंगे कि स्वामी जी का असली नाम विवेकानंद नहीं था, और उनकी जीवनी में रुचि रखने वाले लोग ये भी जानते होंगे कि उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो परिवार के लोग उनका नाम दुर्गादास रखना चाहते थे, लेकिन उनकी माता द्वारा देखे गए सपने के आधार पर उनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, जबकि उनका आधिकारिक नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। वैसे तो स्वामी जी में कई गुण थे, मगर उनकी ऑरेटरी स्किल्स यानी कि भाषण देने की कला सबसे अव्वल थी, जिससे लोग बंध जाया करते थे। आपको बता दें, उनकी ये स्किल्स इतनी बेहतरीन थी कि जब स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान अपना पहला हिंदुत्व भाषण दिया था, तब उस समय वहां 7,000 लोग एकत्रित हो गए थे, जो कल्पना से बहुत बड़ी संख्या थी। स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। खास तौर से उन्होंने जो शिकागो में अंग्रेजी भाषण दिया था वो आज भी मशहूर है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले विवेकानंद के ग्रेजुएशन के दिनों में अंग्रेजी में 50% के आसपास ही नंबर आया करते थे। लेकिन किताबों में एवरेज होने के बावजूद स्वामी जी जिंदगी में सबसे अव्वल रहे। आपको बता दें, सन 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु के बाद घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा था। घर की दशा बहुत खराब थी, लेकिन इतनी गरीबी में भी नरेंद्र खुद से पहले दूसरों को रखते थे। वो खुद भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, खुद भले ही बाहर बारिश में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते, लेकिन अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। और ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने अतिथि देवो भव को सही मायने में अपने जीवन में उतारा था। वैसे आप सभी को ये बात तो पता होगी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें अपना गुरु क्यों माना, ये बात शायद ही किसी को पता हो। दरअसल स्वामी जी सदैव धर्म व भगवान से जुड़े लोगों के विचारों को सुनते थे, लेकिन किसी के भी विचार स्वामी जी को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। वहीं जब 1881 में वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले, तब उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब प्राप्त हुआ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आने से स्वामी जी के जीवन को नई दिशा मिली, और उन्होंने रामकृष्ण जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। चलो, हो सकता है ये बात भी कई लोगों को पता होगी, मगर अब हम आपको जो बातें बताएंगे वो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपको बता दें कि स्वामी जी अपने गुरु का बहुत आदर करते थे। दोस्तों, गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में स्वामी जी अपने घर की गरीबी और नाजुक हालत की परवाह किए बिना और खुद के भोजन की परवाह किए बिना
गुरु सेवा में हाजिर रहे। उन दिनों उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, खून, कफ आदि निकलता था और इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से खुद ही किया करते थे। गुरु की सेवा से जुड़ा उनका एक किस्सा भी काफी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा से घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक बोहे सिकोड़ी। ये देखकर स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। उस शख्स को पाठ पढ़ाने के लिए और गुरु सेवा का सही मतलब समझाने के लिए स्वामी जी ने गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति पहले अपना प्रेम दर्शाया और उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए, जिसे देखकर कुटुंब के सारे गुरु भक्त दंग हो गए थे। और स्वामी जी ने अपना सिद्धांत सिद्ध कर दिया था कि अगर गुरु की सेवा करनी है तो तन मन से करनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि स्वामी जी बहुत शांत स्वभाव के थे और हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते थे और गुस्सा बहुत ही कम करते थे। मगर आपको बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि स्वामी जी बचपन में बहुत क्रोधित बालक हुआ करते थे और उनके क्रोध को शांत करने में उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी काफी सहायता करती थी। जब भी स्वामी जी अत्यंत क्रोधित होते थे तब स्वामी जी की माँ उन पर ठंडा जल डालकर ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहती थी। स्वामी जी अपनी माँ की बात मानते थे और उनका गुस्सा शांत हो जाता था। ये बात तो सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कभी किसी महिला के नजदीक नहीं गए, मगर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी माँ पर भी एक बार अपने मठ में आने के कारण गुस्सा किया था। दरअसल उनके मठ में भी कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती थी, उनकी माँ को भी मठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब एक बार उनका शिष्य उसकी माँ को सम्मान सहित मठ के भीतर ले आया था तब स्वामी जी बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि मेरे द्वारा बनाए गए नियम मेरे लिए ही तोड़े जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी जी नियम और कानूनों के मामलों में सबको एक बराबर ही मानते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी जी ने मठ का अपना ही एक नियम तोड़ा भी था, और वो भी चाय के लिए। अब चाय का शौकीन तो हर कोई होता है, स्वामी विवेकानंद भी चाय के बेहद शौकीन थे। और ऐसे वैसे शौकीन नहीं, दिन में कई दफा चाय पीने के शौकीन। और इसी चाय की वजह से स्वामी जी ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे पहला नियम भी तोड़ा था। उस समय मठों में मान्यताओं के अनुसार चाय पीने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन स्वामी जी को चाय इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपने मठ में चाय पीने की अनुमति प्रदान कर दी थी। दोस्तों, स्वामी जी की एक बात पूरी दुनिया कहती है कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था, और शायद इस बात को सुनकर हमारी वीडियो देखने वाले हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर नाज हो रहा होगा। स्वामी जी दीन दुखियों की सहायता करने तथा देश में नई ऊर्जा संचार करने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी उन्हें स्वास्थ्य पर गहरा आघात पहुंचा था, और मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी को अस्थमा, डायबिटीज, लीवर व किडनी की बीमारी जैसे करीब 31 बीमारियां हो गई थी। वैसे क्या आपको पता है, स्वामी जी को अपनी मृत्यु की तिथि भी पता थी। अपनी मृत्यु के बारे में स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि वो 40 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, और वास्तव में स्वामी जी की बात सच हो गई और 39 वर्ष की आयु में वो स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रयास उस शख्स के कुछ छुपे हुए तथ्य आपके सामने लाने का, जिसको आज पूरी दुनिया नई विचारधारा का पुरुष मानती है। मगर इतने सालों में भी हम ये नहीं समझ पाए कि आज तक स्वामी विवेकानंद जैसे महान भारतीय के ऊपर एक फिल्म और बायोग्राफी क्यों नहीं बनी। क्या बॉलीवुड और फिल्म वालों को नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाकर ही जनता से पैसा लूटना आता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर एक बड़े पैमाने पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं, जिससे देश का बच्चा बच्चा उनके बारे में और गहराई से जान सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।